हेलो। लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, मैंने आप लोग को असाइनमेंट भी दिया था और सिर्फ चार लोगों ने असाइनमेंट सबमिट, बाकी लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। और जो गूगल क्लासरूम मैंने बनाया था उसमें भी सिर्फ 12-13 लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। क्यों? मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए अपनी क्लास में, गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना ज़रूरी है और जो असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको भी सबमिट करना ज़रूरी है। ओके, मैं इसमें ग्रेडिंग दूंगा। किस किस का आंसर आ गया है, किस किस का कितना आंसर आया? जिन लोगों ने सॉल्व किया था प्राइमरी करंट कितना आया था? ट्वेंटी ट्वेंटी यस प्राइमरी करंट निकालने बोला था ना एक क्वेश्चन में। करंट इन द लो वोल्टेज साइड, टर्मिनल वोल्टेज एट हाई वोल्टेज साइड एंड द एफिशिएंसी। तो करंट इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग में तो कौन सी साइड में बोला गया है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी सर। प्राइमरी। तो कितना आएगा करंट? 20 एम्पीयर। 20 एम्पीयर। गुड। वोल्टेज ड्रॉप इन द सेकेंडरी वाइंडिंग? 380.2 वोल्ट। 80.2 वोल्ट। 380। यस सर। इट्स 386 एक्चुअली। ओके सर। ओके, एंड द लॉसेस मींस एफिशिएंसी। 95.05%। ओके गुड। जिन लोगों ने नहीं किया, जो इंतजार में बैठे हैं कि सर तो करा ही देंगे, इट्स माय ड्यूटी। ओके, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ 4 KVA 200/400 V 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज बीन शोन। तो कौन सी साइड का डायग्राम बनाया गया आपको, प्राइमरी और द सेकेंडरी? दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, राइट? इट्स रेफर टू प्राइमरी और द सेकेंडरी। दिस इज द प्राइमरी साइड। व्हेन द वैल्यूज गिवन हैंड बी इज रिड्यूस to the low voltage side, and the low voltage is the 200, that is the primary offset. Assuming a current of 10 ampere at 0.8 power factor lagging in the high voltage winding. आगे लेट आने वाले, थोड़ा टाइम से आया करो तुषार, यू आर ऑलवेज लेट। Assuming a current of 10 ampere at 0.8 power factor in the high voltage winding, this is the secondary current. Calculate the current in the low voltage winding. Low voltage winding means we have to find out the current in the primary side. So, when you have a current in the high voltage side that is 10 ampere, hence the current in the low voltage wind side will be. हमें क्या करना होगा? Sorry, screen share नहीं किया मैंने. बताया करो भाई, भूल जाता हूँ।
विजिबल है यस यस सर ओके So assuming a current of 10 ampere 0.8 power factor lagging in the high voltage winding means this is the high voltage winding which is the secondary side. So this is the secondary side we have. Is a high voltage winding. There is a high voltage winding here. Okay. Yeah. So this side में जो current दिया गया that is a 10 ampere current at 0.8 power factor lagging. Right? So ये जो current होगा ये आपको कौन सा current होगा? Secondary current होगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले? We refer this secondary current towards the primary current. तो लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड में हाई वोल्टेज में आपको 10 एम्पीयर दिया गया है सो यू रेफर दिस 10 एम्पीयर टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड क्योंकि आपका सर्किट कहां पर बना हुआ है प्राइमरी साइड में सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट I2 डैश दैट I2 डैश इज I2 इनटू N2 बाय N1 ओके So your I2 dash should be 20 ampere at 0.8 power factor lagging. So I2 dash is I2 dash cos phi minus j I2 dash sin phi. ये हमने क्या किया? इसलिए हमने rectangular form में convert कर रहे हैं इसको तो because we have a 0.8 power factor lagging. हमारे पास rectangular या polar form में नहीं है इसकी value. तो हमें rectangular या polar में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 I2 dash cos phi minus j I2 dash sin phi. So 20.08 minus J20.06 0.8 का यदि साइन में निकालेंगे तो आप कितना जाएगा 0.6 आ जाएगा तो हमारे पास I2 डैश की वैल्यू रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गई जिसको हम लोग पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं नाउ IM एंड I0 व्हाट इज IM हमें किस लिए चाहिए ये because we have to find out the primary current I1 what is I1 I1 is I0 plus I2 dash okay so IM what is V upon IM is this divided by 300 and IW is this voltage divided by 600 okay so V divided by X0 is IM and V divided by R0 is IW तो हमारे पास IM आ गया और IW आ गया सो I0 इज 0.33 माइनस J 0.67 तो हमारे पास I0 की वैल्यू आ गई इसके बाद हमारे पास ये इसकी वैल्यू है किसकी वैल्यू है I2 डैश की वैल्यू है सो द करंट इन द प्राइमरी साइड I1 This I1 is I0 plus I2 dash. So this will give us the primary current that is 20.66 in the magnitude. यहाँ से आप angle भी निकाल सकते हैं जिस जगह पे आपको तो. Now the second thing is the voltage drop in the secondary winding. That is I2 dash R equivalent cos phi plus X equivalent sin phi. तो I2 डैश हमने निकाला था दैट इज 20 एम्पीयर मैग्नीट्यूड में R इक्विवेलेंट आपको दिया गया है 0.15 X इक्विवेलेंट 0.37 पावर फैक्टर 0.8 साइन फाइव 0.6 आपके पास कितना आ गया 6.9 वोल्ट तो टर्मिनल वोल्टेज एट द हाई वोल्टेज साइड इन टर्म्स ऑफ लो वोल्टेज साइड इज 200 माइनस 6.9 इनटू
is equal to 193 volt. This is the 200 volt under the voltage minus आपके पास कितना आया वोल्टेज 6.9, तो ये कितना हो गया आपका लो वोल्टेज साइड में, मतलब आपकी कौन सी वोल्टेज है ये V2 डैश है, ठीक है। तो अब इसको हाई वोल्टेज साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमें V2 चाहिए होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज V2 कितना हो जाएगा V2 डैश इनटू N2 बाय N1, दिस विल गिव अस द वोल्टेज एट द हाई वोल्टेज साइड दैट इज 386, ठीक। तो हमें जो टर्म्स या हमें जो क्वांटिटीज मिल रही हैं वो हमें ये ध्यान रखना है कि आप किसके साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको तो क्या मिल रहा है। हमने इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं हमने क्या किया है, प्राइमरी साइड की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हमें क्या मिला है यहाँ पर करंट जो था वो लो वोल्टेज साइड में कैलकुलेट करना था, मतलब प्राइमरी में करना था, लेकिन दिया कहाँ गया था सेकेंडरी में दिया गया, तो हमने उसको रेफर कर लिया। टर्मिनल वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड कौन सी है, सेकेंडरी साइड है, तो टर्मिनल वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड मतलब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज निकालना है V2, ओके। जब आपको V2 कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा V2 डैश मिलेगा, जब हम V2 डैश मिलेगा देन वी हैव टू रेफर दिस V2 डैश टुवर्ड्स द सेकेंडरी साइड, सो यू विल गेट द वोल्टेज ऑफ दिस। नाउ द आयरन लॉस इज IW²R, V²R से भी निकाल सकते हैं और IW²R से भी निकाल सकते हैं, सो यू विल गेट द सेम। आयरन लॉस इज 65.34 वोल्ट। कॉपर लॉस I2²R2, राइट, I2², ये कौन सा करंट है इस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये I2²R2, दिस विल गिव अस द कॉपर लॉस, तो यू हैव 60 वॉट इज द कॉपर लॉस, सो व्हाट इज द एफिशिएंसी, 4 kVA ट्रांसफॉर्मर, अनुराग अनुराग ज्वाइन हो गए आप, फोर केवीए ट्रांसफॉर्मर, हमने पिछले में क्वेश्चन में हमने आउटपुट पावर निकाली थी, यहाँ पे हमें आउटपुट दिया गया, जो हमें ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग दी जाती है, जैसे 4 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, 25 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, दिस आर द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, सो 4 × 1000 × पावर फैक्टर इज 0.8 डिवाइडेड बाय द आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, दिस गिव अस द एफिशिएंसी, इट्स 96.23। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे को बताया था कि उनके 95 के अप्रोक्सीमेट कुछ एफिशिएंसी आ रही थी, तो जस्ट चेक आउट, उसका रीजन शायद ये हो सकता है कि आपके जो लॉसेज आ रहे हैं या टर्मिनल वोल्टेज की वजह से आपने कुछ कैलकुलेशन में हो सकता है, बट इफ यू आर गेटिंग 96 or 95 देन इट्स ओके। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट, क्लियर है ऑल ऑफ यू, सर सेकेंडरी वोल्टेज सिंधुजा, सेकेंडरी वोल्टेज कितना आया, हाँ वही सर, सेकेंडरी वोल्टेज आया 386.2, ये 386.2, ठीक है, ओके सर, क्लियर है ये वाले क्वेश्चंस, यस सर, आगे बढ़ो, यस सर, Now we have losses. कितने टाइप के लॉसेज होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, कोई भी
सर टू टाइप्स, दो टाइप के कौन कौन से? कोर लॉस, आयरन लॉस. कोर लॉस और आयरन लॉस, और कोई? सर एडी लॉस, दो ही लॉसेस होते हैं. हाँ, एडी लॉस एंड कौन से कौन से? एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस. हाँ, और बस आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस. यस, देयर आर द मेन टू टाइप्स ऑफ लॉसेस आर द आयरन लॉस कॉपर लॉस. अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, ठीक है, एफिशिएंसी जब हम निकाल रहे थे तो हमने दो लॉसेस कैलकुलेट किए थे, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, राइट. कोर लॉस एंड आयरन लॉस आर द सेम, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस. एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस आर द टाइप्स ऑफ आयरन लॉसेस. जो आयरन लॉसेस के टाइप्स हैं वो है एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस. कॉपर लॉसेस कहां पर होंगे? प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज द सेकेंडरी वाइंडिंग. जब इक्विवेलेंट सर्किट था तब मैंने आप लोग को बताया भी था कि टू फाइंड आउट द कॉपर लॉसेस यू कैन यूज I1 square R equivalent 1 or I2 square R equivalent 2 or I1 square R equivalent 1, sorry, I1 square R1 plus I2 square R2. तीनों में ही आपको कॉपर लॉसेस सेम आएंगे. सो दिस इज द losses. These are the losses we have: iron loss, copper loss, stray loss, and dielectric losses. So we basically in calculation we use the iron loss and the copper loss. The iron loss occurs in the magnetic core of the transformer. These iron loss are the sum of the eddy current losses and the hysteresis loss. Okay, so iron loss is the eddy current loss and the hysteresis loss. This is the summation of these two losses. Now the hysteresis loss, EH is equal to KHF V raised to power 1.6 MV. So what is this? This KH, what is this KH? Hysteresis constant. Hysteresis constant. Good. What is F? Frequency. What is B? B. Huh? Okay. What is V? V voltage. Huh? V is F. Velocity. क्या होगा वी? ओके, व्हाट इज बी? दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एच. हाँ, मैग्नेटिक डेंसिटी. एफ इज द फ्रीक्वेंसी, बी इज द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, राइट. जैसे करंट डेंसिटी होते है वैसे फ्लक्स डेंसिटी होती है, दैट इज द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर. एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द कोर, v इज नॉट द वेलोसिटी. अधिकतर हम लोग गलती करते हैं कि v इज द वेलोसिटी, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ द कोर. जो हमने कोर लिया उसका कितना वॉल्यूम है. फॉर एनी ट्रांसफॉर्मर दिस के एच इज कॉन्स्टेंट, राइट. वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट,
सो इफ द फ्लक्स डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, मतलब हमारा यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टेंट हो गया, दिस इज कॉन्स्टेंट, वी हैव वॉल्यूम ऑफ द कोर इज कॉन्स्टेंट, एंड इफ द फ्लक्स डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट तो क्या हो जाएगा, वी हैव हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ओके, व्हाट इज द एडी करंट लॉस? Eddy current loss P is equal to K E F square T square B square V. So this is the eddy current constant. Yes, sir. There's the F square is frequency. What is T? Time. Time. Right? Or time. Something else? Time. Time of what? Iska time. B maximum is the flux density. What is B? V. V is the velocity, okay, na? For this velocity, this T is the time. Yes. तो फिर यहाँ पर भी गलत लिखा हमने V. यदि यहाँ पर वॉल्यूम है तो यहाँ पर भी वॉल्यूम होना चाहिए, या यहाँ वेलोसिटी है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी होना चाहिए, या दो अलग अलग चीजें, उससे उसको कोई रिलेशन नहीं है ना. क्या? यस सर. मतलब कौन सा वाला? ये वॉल्यूम है कि नहीं है सर? वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? Volume. तो टी क्या होगा? T is thickness. Thickness of lamination. Good. T is the thickness of the core. याद होगा जब हम लोग कोर की बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की, तब मैंने बताया था कि हम लोग एक स्क्वायर पीस नहीं लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पतली पतली शीट्स ले लेते हैं और उन शीट्स के साथ हम लोग कोर को बनाते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर टी क्या है? थिकनेस ऑफ द कोर. यदि हम वो पतली शीट्स नहीं लेके एक मोटी कोर ले लेंगे तो उस कोर के स्क्वायर्स के हिसाब से आपके एडी करंट लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे. तो यदि आपको मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर थिकनेस की कोर चाहिए और आपका क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा लॉसेस. तो हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर ना लेके 1 mm सपोज करिए, या 2 mm की यदि आपने शीट्स ले रहे हैं तो ये थिकनेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 mm हो जाएगी. So there is a big difference between this. So that's why to reduce this eddy current losses, we take the thin sheets to build the core. Okay. So this is the proportionality constant, frequency, thickness of the core, volume, and the flux density. So for the constant flux density, all the other things are constant. So eddy current losses are the proportional to the frequency, and the hysteresis loss are proportional to the. This is the frequency square, and what about the hysteresis loss? Frequency directly proportional to the F. Okay, so this is proportional to the F, hysteresis loss, and eddy current loss is proportional to the square of this. So when these things are constant, means the flux density when we are taking is a constant. Now when, if the flux density is not constant, then what will happen with this losses? From the EMF equation of the transformer, right, E is equal to V. That is equal to 4.44 phi m f n. Okay, what is flux density? Flux density B is equal to phi upon A. What is A here? Area. Area of the area of what? B क्या है? फ्लक्स डेंसिटी कहां पर? कोर में.
फ्लक्स कहां पर है? वाइंडिंग में है क्या फ्लक्स? फ्लक्स कोर के अंदर है ना, ये आपकी कोर है। राइट यहां पर होती है ना आपकी फ्लक्स। राइट तो यहां पर ये फ्लक्स है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे तब तो इसकी फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी ना। फ्लक्स डेंसिटी मतलब कितना डेंस है वहां पर फ्लक्स, तो कहां पर होगा? कोर में, और जितने एरिया में है वो, तो दिस एरिया ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। राइट सो V is equal to 4.44, put the value of phi, that is BAFN. So V by F is equal to 4.44 A and B. Okay. अब क्या है? A area of cross section is constant. Core का area change हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. 4.44 is already a constant. Number of turns change हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. तो क्या हुआ? B is proportional to the V by F. Okay. तो यहां से हमें क्या एक रिलेशन मिला? Flux density is proportional to the V by F. अब इसका कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग? So the hysteresis loss depends upon both the applied voltage. ये voltage कौन सा है? This is not the V, is not the volume of the core. This is the applied voltage. यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट इज E इज इक्वल टू V, तो ये V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज है। सो द फ्लक्स डेंसिटी विल डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी। ओके क्या किया? हिस्टेरेसिस लॉस KHFBM raised to power 1.6 V था, ठीक है? यहाँ V देख रहे हैं, मैंने small V लिखा था कि confusion ना हो। Now put the value of B here, तो जब B की value हमने अभी क्या निकाली है? V by F. When we put the value of B here, आपका क्या-क्या हो गया? ये सब constant हो गए, ठीक है? तो proportional क्या हो गया? V upon F. So hysteresis loss is proportional to the V by F. Okay, so hysteresis loss depends upon the voltage and the frequency. In case of eddy current, F square T square B square V. Now put the value of B again here. So it's V square F square. F square cancel ho gaya. Toh aapke paas kya bacha? K E V T square V square. Toh yahan par kya hai? Ye sari cheezein. आपका ये कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द कोर कांस्टेंट, थिकनेस ऑफ द कोर कांस्टेंट, तो किस क्या बचा आपके पास? यू गेट द एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज स्क्वायर। सो एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। व्हाट अबाउट द हिस्टेरेसिस लॉस? हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द वी अपॉन एफ, and the eddy current loss is proportional to the V square. So the eddy current loss is independent of the frequency, but the hysteresis loss depends on the frequency as well as on the voltage. Clear? हाँ जी, clear है? Yes sir. इसके ऊपर questions पूछे जाएंगे आपसे। तो पहला केस क्या था? When the flux density is constant, first case में हमने क्या लिया था? B को constant लिया था। यहां पर लिखने में ना बड़ी दिक्कत होती है, वो सब कैसे गंदे गंदे हैंडराइटिंग बनती है। When the B is constant, तब hysteresis loss क्या आया था आपका? Proportional to
F and eddy current loss is proportional to F square. ठीक है? When the flux density is not constant, in that case, your eddy current loss is proportional to the square of the voltage, applied voltage, and hysteresis loss is proportional to the V upon F. ठीक? तो ये relations आपको पता होने चाहिए चारों, जिनका हमें आगे जरूरत पड़ सकती है जिनकी. Now next is the copper loss. Copper loss are the I square R losses, which takes on the primary and the secondary winding. पर winding कहाँ पर है? Primary side में और secondary side में. तो total copper loss क्या हो जाएंगे? Primary winding में copper loss और secondary winding में copper loss. ठीक है? तो primary winding के copper loss को क्या बोलेंगे आप? प्राइमरी वाइंडिंग का करंट कितना है? I1. वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना है? R1. सो इट इज I1 स्क्वायर R1 प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट कितना है? I2. रेजिस्टेंस कितना है? R2. सो इट इज I2 स्क्वायर R2. ठीक है? इन दोनों का रेजिस्टेंस सीधे आपके पास नहीं है. जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, क्या था? वाइंडिंग रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड में रेफर किया गया था. इन दैट केस क्या हो जाएगा? आई वन स्क्वायर आर इक्विवेलेंट वन. एंड इफ द रेजिस्टेंस रेफर टुवर्ड्स द सेकेंडरी साइड, तो आपको सेकेंडरी करंट लेना होगा. बी केयरफुल. सो आई टू स्क्वायर आर इक्विवेलेंट टू. सो ये या ये सेम हो, चाहे आप इस मेथड से निकालें, चाहे इससे निकालें, और चाहे आप इससे निकालें, कॉपर लॉसेस सेम आएंगे. देखिए I1 square R1 plus I2 square R2, ठीक है? So you will get, अब ये कैसे हो रहा है वो भी दिखाया मैंने यहाँ पर आपको. I1 N1 is equal to I2 N2, so I1 is N2 by N1 into I2. So I1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है? So I2 square N2 by N1 square into R1, ठीक? I2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया? R2 plus N2 by N1 square into R2, R1. तो क्या हो गया ये? ये क्या है? R2 plus R1 dash. और R2 plus R1 dash किसको क्या लिखते हैं? R equivalent 2 लिखते हैं. तो it is I2 square R equivalent 2. Similarly, the primary side के लिए निकालेंगे, then also you will get iron loss is equal to I1 square R equivalent 1. तो जो मैं बोल रहा था उसकी यहाँ पर हमने calculation भी करके देखी है कि कैसे I1 square R1 प्लस आई टू स्क्वायर आर टू जो है वो इक्विवेलेंट्स में कैसे लिखा जा सकता है. देन वी हैव स्ट्रे लॉसेस. लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस एडी करंट लॉस इन द कंडक्टर्स एंड वाइंड टैंक्स. दीज एडी करंट लॉस प्रोड्यूसेस लॉसेस. दीज आर नोन एज द स्ट्रे लॉसेस. ठीक है, जो लीकेज फ्लक्स की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो एडी करंट लॉस होते हैं, और उनकी वजह से जो लॉस एडी करंट से जो लॉस प्रोड्यूस होते हैं उनको स्ट्रे लॉसेस होते हैं. डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस ऑकर इन द इंडक्टिव मटेरियल. क्या लिखा हुआ है? डाइइलेक्ट्रिक losses occurs in insulating material, that is in the transformer oil and the
सॉलिड इंसुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। सॉलिड इंसुलेशन मतलब आपने जहां पर लैमिनेट कोर बनाते समय जो आपने लैमिनेशन लगाए हैं वहां पर। दिस लॉस इज सिग्निफिकेंट ओनली इन हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स, सो द ड्राई इलेक्ट्रिक लॉसेज आर कहां पर होंगे, सिर्फ हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स में, ठीक है। तो इसलिए दिस स्ट्रे लॉस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेज आर यूजुअली स्मॉल एंड नेग्लिजिबल, मतलब हम जो सिंपल आपके कैलकुलेशन हम लोग जो अपने न्यूमेरिकल में लेते हैं उसमें हमने कहीं पर भी स्ट्रे लॉस या एडी करंट लॉस ये डाइलेक्ट्रिक लॉसेज को कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, बिकॉज दिस लॉसेज ऑफर्स ओनली द हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स एंड वी नेग्लेक्ट दिस लॉस फॉर द स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। Now, to find out these losses, one say iron loss and the copper loss, so to find out these losses, iron loss and the copper loss, क्या करते हैं हम लोग, परफॉर्म द टेस्ट। ओके, कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कोई आइडिया? Anyone?